हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं सीएसआईआर के, उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आता है कि सीएसआईआर नेट के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सवाल ये आता है कि सीएसआईआर नेट के लिए जो है वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए। उसी के ऊपर बात करने वाले कि ये जो टाइम है ये क्या होना चाहिए, है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी आवर्स वी नीड टू स्टडी टू क्रैक द सीएसआईआर, क्या हो सकता है? अगेन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कोई बोलेगा 12 घंटे पढ़ना है, कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ना है, कोई बोलेगा 8 घंटे पढ़ना है, कोई बोलेगा 6 घंटे पढ़ना है, कोई बोलेगा 4 घंटे पढ़ना है, कोई बोलेगा 2 घंटे पढ़ना है। अब कोई तो कुछ भी बोल रहा है, क्या करे फिर? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये वाली सवाल आ जाएगी। तो इसके लिए समझने के लिए बात ये आ जाती है जनाब कि जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए तो पहले समझो कि सीएसआईआर का जो लेवल था जिस पे आपको पहुंचना है और आपका जो लेवल है इसमें गैप कितना है। क्योंकि हो सकता है कि आप, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं, बीएससी, एमएससी या ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड से, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से जो उन बोर्ड से नहीं आए हैं, तो क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशंस में बात ये आ जाती है कि उनमें जो है बेसिक नॉलेज बहुत नीचे हो जाता है और सीएसआईआर से पहुंचने के लिए जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कंडीशन बनती है और और यही यही चीज चीज आपको आपको समझना है। समझना यह है कि आप अपने गैप को पहचानिए कि आप कहाँ पे हैं। योर करेंट स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को पहचान पा रहे हैं कि आपका करेंट स्टेट क्या है, तभी मजेदार है। अब इस करंट स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। आप कहां से आए हुए हैं, किस इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, कितना आपको पता है, कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। इस करंट स्टेट को जानने का सबसे सिंपल तरीका यह है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम ले लीजिए। मान लेते हैं 2022 में एग्जाम हुआ था सितंबर में, अभी जून में होने वाला है, 2023 में हो भी सकता है। इस एग्जाम का एक पेपर ले लीजिए और इस पेपर को क्या करिए, इस पेपर को 3 घंटे में प्रॉपर बैठ के सॉल्व करिए। और अगर आप दे चुके हैं ऑलरेडी ये एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका जो नंबर है, करंट नंबर, वही बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। लगभग क्वालिफाई करने के लिए अगर 110 नंबर चाहिए थे तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यही आपको बताएगा कि कितना भी मेहनत करना, कितने नंबर के लिए भी मेहनत करने हैं। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर मानो कि आपके जो नंबर आए थे वो कितने आए थे, 50। जब आपके नंबर 50 आए थे तो हो सकता है कि आपको जो मेहनत करना पड़े वो काफी ज्यादा करना पड़े, और काफी ज्यादा करना पड़ेगा तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत आ जाएगी तो सवाल ये होता है कि अगर आपके प्रॉब्लम हुए मेहनत, यहाँ पे लगभग कितने, लगभग 50 नंबर के आसपास मेहनत करना है, 60 नंबर के आसपास। अगर आपके 40 नंबर थे तो लगभग 70 नंबर के आसपास। अगर आप 80 नंबर लेके आए थे तो लगभग 30 नंबर के आसपास। तो हर किसी का गैप अपना अपना अलग अलग है। अब जो 80 नंबर वाला होगा, जो आपके 50 नंबर वाला होगा, उनमें फर्क होगा, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए जो लेवल चाहिए था 110 नंबर, एक का बंदा 80 नंबर पे था, दूसरा 50 नंबर पे था। इसको यहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और इसको यहां तक पहुंचने के लिए कम एनर्जी, के साथ साथ समय की भी बात हुई हो जाती है, ठीक है ना? इसको कैपेसिटी से भी समझ सकते हैं कि कोई 2 रोटी खाता है तो कोई 4 रोटी। अगर आपको 10 रोटी पे अचीव करना है तो 2 रोटी वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 10 रोटी खाने के लिए, और 4 वाले को जो है कम। तो इसके लिए यहां तक पहुंचना सिर्फ इसको +30 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, जबकि इसको जो है लगभग +60 के लिए, इसके हिसाब से इसका डबल। आप अपने करंट सिचुएशन को इवेल्युएट कर लीजिए कि आप कहां पे हैं और आपको कितने नंबर के लिए मेहनत करनी है। अब इसलिए आपने इवेल्युएट कर लिया कि कितने नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है, तो उसके लिए फिर आर्स की बात करते हैं। जेन्युइन नोट पे कई लोग बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ते हैं तो 16 घंटे पढ़ते हैं, ये सब कुछ मिला के होता है, उनका कोचिंग, उनका पर्सनल, इधर उधर नेटवर्क, सब कुछ मिला के वो ज्यादातर जो टॉपर से बोलते हैं इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप क्लासरूम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप खुद सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सेल्फ स्टडी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक आता है आपका रिकॉलिंग और एक आता है आपका प्रैक्टिस, ठीक है?
ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, और बीच बीच में थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक जो नहीं आता उनकी स्टडी स्टडी के लिए आप ज्यादातर किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। फिलहाल के लिए जो है स्टडी रिकॉलिंग और प्रैक्टिस के लिए जो आपको कम से कम, आप कोचिंग ऑनलाइन कहीं पे क्या पढ़ रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए यू नीड टू पुट एटलीस्ट 4 आवर्स, अगर आप इस लेवल पे हैं तो। सेल्फ स्टडी में आपको जो टॉपिक नहीं आता, जो गलतियां करी क्या करी उनको इम्प्रूव करने के लिए बुक पढ़ना हो, ऑनलाइन से पढ़ना हो, लेक्चर्स देखने हो, जो कुछ भी करना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कम से कम यहां पे 4 घंटे देने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, कोचिंग से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो मतलब नहीं है। इसके बाद अगर इस लेवल पे है तो आपका 2 घंटे में भी काम चल जाएगा, लेकिन वो 2 घंटा सेल्फ स्टडी की बात की जा रही है जिसमें लगभग लगभग आपको 1 घंटा रिकॉलिंग पे देना है और 1 घंटा प्रैक्टिस पे देना है। अगर आप इस लेवल पे हैं तो 1 फॉर प्रैक्टिस 1 आवर फॉर 1 फॉर रिकॉलिंग, और सिमिलर यहाँ पे 2 आवर फॉर रिकॉलिंग एंड 2 आवर फॉर प्रैक्टिस। अगर आप ये करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो आपके लिए काफी इंप्रूवमेंट होगा। सेल्फ स्टडी ज्यादा इंप्रूव करेगा कोचिंग प्लेटफॉर्म में कहीं से भी पढ़ने से। तो ओवरऑल अगर इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के माध्यम से बात किया जाए तो जनाब कितने घंटे पढ़ने चाहिए इसका कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। आप कितने पानी में हैं, आपका करंट सिचुएशन कितने नंबर अचीव करने का है, ये सब बताता है कि आपको कितने घंटे जो है पढ़ने चाहिए। अगर आप कम हैं तो लगभग, मैं को सेल्फ स्टडी के माध्यम से बोलूं तो लगभग आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, 4 घंटे भी दे सकते हैं और 6 घंटे भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको इतना रेंज में, अगर सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 6 घंटे में से रेंज में दे रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो ऑलमोस्ट बढ़िया। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि बीच में व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, वीडियो, ये सब नहीं। 2 घंटे मतलब प्रॉपर 2 घंटे दे रहे हैं, या 3 घंटे मतलब प्रॉपर 3 घंटे, तो वेल एंड गुड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, और शेयर करना आपकी मर्जी है। अगर आप पहले विजिट कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा बोलता नहीं। आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मर्जी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।